जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उसकी घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी एक बेटी के साथ दरिंदगी दिखाने वाले को बचाने के प्रयास हुए राज्य सरकार, उसके खिलाफ जो है देशव्यापी जो प्रदर्शन है, ये उसका हिस्सा। रावत जी आज उत्तराखंड डे है जी, आज उत्तराखंड डे है। मैं इस महान मौके पर, जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने इन वर्षों के अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, और आगे बहुत चुनौतियाँ भी हैं, तो हमको मिलजुल करके उन चुनौतियों का सामना करना है और एक मजबूत खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। कल बिहार का रिजल्ट आज क्या कहेंगे, किस तरह बिहार का महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और देश के अंदर लोगों का राय बदल गई है, और जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप हुआ है, उसी तरीके से भारत में भी नमस्ते मोदी की शुरुआत बिहार से होने जा रही है। उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई है, दोषियों को दंडित किया गया है, और पीड़ित परिवार की मदद की गई है, और हम महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा कार्रवाई करने में तत्पर है। हम जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी, हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। गुटबंदी है, उसको किस तरह से ठीक करेंगे आज, क्या वो कहीं कोई गुटबंदी नहीं है पंजाब कांग्रेस के अंदर, सब लोग एकजुट है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ खड़े हैं, और इस समय जब किसान और किसानी दोनों के लिए संकट है, तो ऐसे समय में कांग्रेस एकजुटता के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में जो है किसानों के साथ खड़ी। क्या शहर वासियों के साथ नहीं है कांग्रेस, सिर्फ किसानों के साथ है? नहीं, हम सब व्यापारी, आप इतना प्रोटेस्ट, हमने जीएसटी के खिलाफ, उनका काम नहीं चल रहा किसानों, जीएसटी के खिलाफ हमने प्रबल लड़ाई लड़ी है, और यहाँ भी हमने लोगों की, पंजाब की अर्थव्यवस्था की दिक्कतों को देखते हुए किसानों को मनाया, और किसानों ने हमारी बात मान करके कुछ समय के लिए धरना हटाया। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात यह है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत करके उस मौके का फायदा नहीं उठाया, और आज भी हम केंद्र सरकार पर यथा संभव दबाव डाल रहे हैं, और हर संभव लोकतांत्रिक तरीके को अपना रहे हैं, ताकि जो है किसान जो है वहाँ, और रेल का आवागमन सुनिश्चित हो सके। और आज भी यदि केंद्र सरकार ट्रेन चलाना चाहे, तो अधिकांश ट्रैक्स में शांति की स्थिति है, ट्रेन चला सकती है। ऐसा लगता है कि पंजाब में किसान आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसलिए मोदी सरकार पंजाब को और पंजाब के लोगों को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को दंडित करना चाह रही है।